Hey everyone, hope you guys are doing absolutely fine. ये कुछ पीछे पैकिंग दिख रही होगी आपको. वर्षा ने कुछ सरप्राइज प्लान किया हुआ है. अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 3 और इसने मुझे कहा कि जो भी ट्रैवलिंग के दौरान तुम अपने कपड़े लेके जाना चाहते हो या ट्रैवलिंग के दौरान जो तुम्हें अपने कपड़े पहनने हैं वो मुझे जल्दी से दो. 3-4 जोड़ी कपड़े मांगे इसने, पैक कर लिया बैग. मुझे नहीं बताया कहाँ का क्या प्लान किया हुआ है क्योंकि सारी प्लानिंग इसने की है पहली बार. मेरा ऑलरेडी बर्थडे वीक चल रहा है, जिन लोगों को नहीं पता 3rd October को मेरा बर्थडे होता है, तो उसी के लिए मैडम ने कुछ प्लान किया हुआ. ये भी नहीं बताया कि जा कैसे रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं फ्लाइट से, ये तो बता दे ट्रेन से जा रहे हैं फ्लाइट से. ट्रेन से जा रहे हैं लेकिन ये नहीं बता रही कहाँ जा रहे हैं. कह रही है कि बस जल्दी से चलो और कुछ मत पूछो, रास्ते में शायद कुछ समझ आ जाए, बाकी जल्दी निकलते हैं ताकि लेट ना हो जाए. कैब भी बुलानी है कि नहीं? अरे बता दो कहाँ जा रहे हैं. इस बैग में हम लोगों के कपड़े हैं, ये वर्षा का बैग है, ये मेरा एक बैग है, ये एक कैमरा बैग है, इसमें कैमरे के इक्विपमेंट्स हैं सारे. ये एक डफल बैग है जिसमें जो भी ट्रैवलिंग के दौरान कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो रास्ते में चाहिए होती है वो इसमें रखी है. वी आर ऑलरेडी रनिंग आउट ऑफ टाइम. वर्षा ने बताया 3:55 की है बट ट्रेन ये नहीं बता रही कहाँ की, कह रही ट्रेन देख के समझ आ जाएगा. अरे बता दे कहाँ ट्रेन देख के. हाँ जी, एनी गेस? अब तो समझ आया होगा. समझ आ रहा मुझे. समझ आ रहा है? ये बहुत दिन से हम प्लान कर रहे थे, है ना, वही है ना जगह. देहरादून मसूरी. पता है मुझे तूने देहरादून मसूरी का प्लान किया हुआ. नहीं नहीं. हाँ अरे यार मैं अब समझ आया हूँ मुझे. अच्छे बादल बहुत अच्छे आ रहे हैं. क्लाउड्स ना? हाँ. अच्छे हैं. तूने अच्छा प्लान कब मेरे को किया है देहरादून का? जब आप सो रहे थे ना तब. ओके. और ट्रेन भी आ गई है. We have already started from Ghaziabad. It will be reaching Dehradun around 9 p.m. in the night. Train अपने बिल्कुल निर्धारित समय पे चल रही है, बिल्कुल भी लेट नहीं है, बिल्कुल भी डिले नहीं है. अभी रिसेंटली हम लोगों ने क्रॉस किया है मेरठ एंड वी आर अबाउट टू रीच मुजफ्फरनगर. मुजफ्फरनगर थोड़ी देर में आने वाला है. कंपार्टमेंट में ज़्यादा वीडियोस इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि ये माइक और ये पूरा गोरिल्ला पोड़ हाथ में आते ही सब लोगों का ध्यान मेरी तरफ ही जाता है, जो थोड़ा सा ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है कई बार. अभी ट्रेन रुकी है मुजफ्फरनगर और यहाँ पे आई थिंक 2 या 3 मिनट रुकती है मुजफ्फरनगर. मैं थोड़े से नज़ारे दिखाता हूँ आपको स्टेशन के. दिस इज मुजफ्फरनगर और बचपन में काफ़ी ट्रैवल किया मैंने यहाँ पे क्योंकि रिलेटिव्स बहुत रहते हैं यहाँ पे मेरे. एंड दिस इज़ आवर ट्रेन जो देहरादून की तरफ जा रही है. ये बन रही है चाय भाई, ये मसाला चाय और सेम इस चाय के ना फ्लाइट में भाई 150 रुपये इंडिगो की फ्लाइट में बन गई मसाला चाय. वाह. हम लोगों ने ऑलरेडी हरिद्वार क्रॉस कर दिया है और ट्रेन बस अपनी लास्ट डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रही है. ट्रेन में जैसा कि मैंने आपको बताया था ज़्यादा वीडियोस इसलिए नहीं बनाए कि जैसे ही मैं अपना मोनोपॉड और मोबाइल और उस पर लगा हुआ माइक निकालता था कुछ भी रिकॉर्ड करने के लिए तो सभी पैसेंजर्स का ध्यान एकदम मेरी तरफ ही जाता. अच्छा दूसरी चीज़ ये है कि पूरा डब्बा ये AC चेयर कार है तो जरा सा भी कोई बात करता है ना तो पूरी आवाज़ पूरे कैबिन में सुनाई देती है. इसी वजह से मैं इस वक्त भी आपसे कम आवाज़ में बात कर रहा हूँ. मैक्सिमम पैसेंजर्स जो हैं वो ऑलरेडी उतर चुके हैं ट्रेन में, कुछ हरिद्वार उतरे हैं, कुछ रुड़की, कुछ देवबंद. अब सिर्फ वही पैसेंजर्स बचे हैं जो देहरादून उतरने वाले हैं और हमने ये डिसाइड किया कि हम खाना भी देहरादून में खाएंगे. पहले हम लोगों का सीन बन रहा था कि हम ट्रेन में कुछ ऑर्डर कर लेते हैं और खा लेते हैं, लेकिन चलते समय मम्मी ने ऑलरेडी कुछ पराठे भी दिए थे, उबले हुए चने दिए थे, वही सब कुछ हम लोगों ने खाया रास्ते में. फिलहाल देहरादून उतर के फिर मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ देहरादून का. भाई ये देखो ट्रेन में जैसी वर्षा को थोड़ा समय लगा तो एकदम से उसका नेल पेंट शुरू हो गया. भाई क्या करूँ, ऑफिस चल रहा था ना मेरा तब से. ओ हाँ तेरी कॉल चल रही थी ना. हाँ अच्छा ये तुम नेल पेंट बैग वैग में लेके चलती हो क्या? नहीं नहीं तो मैंने लगाया नहीं था.
था, टाइम नहीं लग रहा था. ओके तो इसलिए रख लिया था मैंने. तुम्हारा अच्छा बैग से मैचिंग लगाया है, नेल पेंट. नहीं नहीं, ये कलर मुझे अच्छा लगता है इसलिए लगाया. ये वाला कलर ज़्यादा पसंद है. ओके आई ऑलरेडी 8:30 बज चुके हैं ट्रेन में और महज आधा घंटा बचता है हमारा देहरादून पहुंचने में और मैडम के पेट में दौड़ रहे हैं चूहे क्योंकि उनको भूख लग रही है. अच्छा खाना क्या है तुम्हें खाने में? दाल मखनी. भाई इनके दाल मखनी से परेशान हूँ मैं. कहीं भी बाहर जाए ना घूमने डिनर या लंच के लिए, इन्हें क्या चाहिए? दाल मखनी और साथ में बटर रोटी तंदूरी. अपन मजदूर आदमी, अपन को कुछ भी मिल जाए इसमें ऐसी झूठे की क्या बात है. अच्छा भाई आप लोग भी आई हूँ, मैं भी आई हूँ और ये भी आई हूँ, आप देख लेना मेरी ऐसी कोई चॉइस नहीं रहेगी. मुझे कुछ भी मिल जाए और कुछ ना भी मिला तो भी अच्छा है क्योंकि मैं इसके प्लेट में से खा लूँगा. लपेट लूँगा. लपेट नहीं, क्या बात है. मैं सीरियसली कह रहा हूँ, मैंने कब ऐसा किया अच्छा कि मैं बहुत मेरे लिए कब एक बार तो बता, जैसे बहुत बार कह रहे. जब याद आए तो मुझे भी बता देना है, लेकिन ऐसा मैं कभी नहीं करता भाई. ठीक है, मैं ऐसी कोई चॉइस नहीं रहती, मुझे कुछ भी मिल जाए. मैं भी ऐसी हूँ. आपको दाल मखनी पसंद है ना, इसलिए मैं दाल मखनी ऑर्डर करा रही हूं. नहीं नहीं सुनो, इसको ना कॉलेज के टाइम से दाल मखनी पसंद है, तब से इसने जान खा रखी है. पुराने खाते थे यार. तेरी वजह से खाता हो तो मैं आपकी वजह से खाते थे. ये क्या बात हुई? तो वहाँ पे आपने मुझे हर बार दाल मखनी ही लाई है. क्योंकि उस वक्त पैसे नहीं होते, सबसे सस्ती वही थी. तो तब से मुझे आदत पड़ी दाल मखनी खाने की. लेकिन आज के टाइम में ना दाल मखनी बहुत महंगी आती है. पर ना दाल मखनी ऐसी चीज़ है जो हर रेस्टोरेंट पे सबसे अच्छी मिलती है. ये तो है खैर. वेलकम टू देहरादून. वेलकम टू देहरादून. दोस्त देगा धोखा. दोस्त देगा धोखा. उसने एड्रेस भेज दिया और कहा कि भाई मैं किसी इमरजेंसी में हूँ, घर आ जाओ, घर मिलूंगा. लास्ट टाइम यहाँ एस्केलेटर थे? नहीं अभी लास्ट टाइम एस्केलेटर नहीं थे, शायद अभी लगे. पहले हम तो स्टेयर्स उतर के आए थे पहली बार. भाई ये देहरादून के स्टेशन पे एग्जिट गेट है. ये जो लाइन आप मेरे सामने देख रहे हैं ये उनकी है जिनको दोनों वैक्सीनेशन लग चुकी है और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है. और जो उधर लाइन है उसमें वो लोग हैं जिनकी सिर्फ एक वैक्सीन लगी या कोई भी वैक्सीन लगी और उनका रैपिड टेस्ट चल रहा है. 5 मिनट में वो रिपोर्ट दे रहे हैं, देन दे कैन एग्जिट. गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू द चैनल. रात के लिए माफ़ी चाहूँगा क्योंकि व्लॉग रिकॉर्ड करते करते जो है मेरे मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई थी और घर पे आके मेरे को ना तो चार्ज करना उसको याद रहा. लेकिन मैं तुम्हें अभी अपने उस नालायक दोस्त से मिलवाता हूँ जिसने धोखा दिया. उसने वर्षा को कहा कि मैं स्टेशन पर आऊँगा लेने, लेकिन वहाँ पर कोई पहुँचा ही नहीं लेने. आइए इधर प्रेम में. ये हरामी. ठीक है, इसने हेलो एवरीवन. इसने कहा था कि स्टेशन पे पहुंच जाऊंगा भाई लेने. ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, और अगर मैं नहीं पहुंचा तो किसी ना किसी को जरूर भेजूंगा. देखो वहां पे पता उतर के क्या कह रहा. वहां पे जब हम उतरे कॉल किया ऐसे कि भाई कहाँ है, तो कह रहा कि आप एक काम करो बाहर निकलो और वहां से ना मैं लोकेशन दे रहा हूँ, वहां की कैब सर्च करो आप. मैंने कहा है ये क्या है. कह रहा कि भाई थोड़ा से इमरजेंसी में फंस गया आप खुद. हाँ, और इमरजेंसी सही में ही थी, लेकिन इनको लगा मैंने इनको गोली दे दी क्योंकि ये इनके साथ अब से 2-3 बार हो चुका है वैसे. क्योंकि ये गोलीबाज बहुत बड़ा है. बहुत बड़ा गोलीबाज है, कभी भी कोई मौका नहीं छोड़ता गोली देने की. ठीक है, वहां से ऐसे बोल रहा ब्रो आई विल बी कमिंग, ब्रो मैं आ जाऊंगा ब्रो. अब ब्रो घंटा नहीं पहुंचा. नहीं, लेकिन आज दिल का बहुत अच्छा है और बहुत ही. और आप बताओ, सच में इमरजेंसी थी? नहीं इमरजेंसी, हाँ ये तो चीज़ है, इमरजेंसी तो थी सच में. लेकिन फिलहाल अभी जो टाइम हुआ है वो बजे हैं दिन के 12 और अगला दिन हो चुका है. हम लोग उठ चुके हैं, नहा चुके हैं और निकल चुके हैं एक नए सफ़र की ओर. आज का हमने डिसाइड किया कि हम लोग देहरादून की जो आसपास की जगह है वो कवर करेंगे, आसपास की जो घूमने की जगह है और ये सब चीजें हम लोग कवर करेंगे आज. लेकिन देहरादून के अंदर का सारा कवर करेंगे. कल और परसों का जो हमारा टूर रहने वाला है होपफुली आई गेस ऋषिकेश एंड मसूरी का प्लान है. लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको नज़ारा दिखा दूँ, कितना बढ़िया नज़ारा है. वो जो पहाड़ी है पीछे आई गेस आप लोग देख पा रहे हैं, वो पहाड़ी जो है वो मसूरी की पहाड़ी है. रात का व्यू मैं ले नहीं पाया जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी थी. और इधर का भी एक जो नज़ारा है ये भी माउंटेन्स का. इधर थोड़ी सी फुलवारी की हुई है सुमित ने, पेड़ पौधे उगाए हुए हैं सुमित ने, और इसको पेड़ पौधों से फूलों से बहुत लगा है मुझे. कोविड के बाद तो बहुत ज़्यादा. अभी खाना खा के निकलते हैं घूमने और रास्ते में मैं आपको अपने साथ. ये कद्दू लगा हुआ है.
हाँ वो कद्दू की बेल है, ये कद्दू की बेल है, वो कद्दू की बेल है जो हमारी आंटी जी ने लगाई। अच्छा, तोरी, 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 तोरी। ये तोरी की बेल है, ये तोरी की वो आंटी जी ने लगाई हुई है, जो हमारी आंटी जी ने लगाई हुई है। लेकिन और जो सबसे जरूरी चीज है इधर, ये ले लो पुदीना है, ले लो पुदीना। अच्छा, ये लो पुदीना है। एक चीज और है यहाँ पे, मैंने एक विशेष जो इम्पोर्टेंट चीज है, यहाँ पे मैक्सिमम लोग जो है ना घर पे अपने पेड़ पौधे लगा के रखते हैं, मतलब किसी की बेल लगा ली, ठीक है, अमरूद का पेड़ लगा लिया, कोई भी। यहाँ के घर भी बहुत बड़े बड़े होते हैं और यहाँ पर एसी की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, ये भी इस शहर में एसी की जरूरत नहीं पड़ती। अभी सुबह के वक्त ना इतनी जोरदार बारिश हुई और रात के वक्त इतना ठंडा मौसम हो रखा था, बिना पंखे के कंबल लेके सोए हम लोग, इतना ठंडा था। यहाँ पे गर्मियों में अक्सर ठंड होती है और सर्दियों में अक्सर धूप निकलती है अच्छे वाली। हाँ, ये तो आप देख सकते हैं। हाँ, और बाकी तो अपना देहरादून का मौसम तो है ही, देहरादून का मौसम। आंटी परांठा बना रही है, काफी बड़ा परांठा है, अभी जब टेबल पर आएगा तब दिखाते हैं हम आपको। ये देखो, ये है असली वाला पराठा। और तुम्हें पता ही है मुझे पराठों का शौक कितना है, मेरी मैक्सिमम वीडियोस में पराठे ही दिखते हैं। क्या सही से कहा आंटी आपने, वाह। पराठा देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, खाने में बताओ। मैं खा के बताता हूँ, जवाब नहीं है कुछ यार पराठे का। अच्छा, हिली एरियाज में पराठे और मैगी, पराठे और मैगी। हाँ, ये आपने सही बात की बिल्कुल, उनका जवाब नहीं होता कुछ भी। और हिली एरियाज में आगे अगर आपको तवा पराठा मिल रहा है तो सोने का सुहागा है मैक्सिमम, क्योंकि तंदूरी पराठा मिलता है। हाँ, है ना, करेक्ट। लेकिन तवा पराठे का जवाब ही अलग है। हाँ, अच्छा, बहुत ही बढ़िया यार, बहुत लाजवाब। जर्नी स्टार्ट कर दी है और पहले हम लोग जा रहे हैं शिखर फॉल। शिखर है, शिकारा है, शिखर फॉल लिखा है। अच्छा, शिखर फॉल है, उसमें शिखारा लिखा था एक जगह, एक जगह शिखर फॉल लिखा है। एंड ये देहरादून से 6 किलोमीटर दिखा रहा है हमें, तो हमें ऑलमोस्ट 20 मिनट्स लगने वाले हैं। मौसम अच्छा है आज, हाँ ठंडा सा है, ठंडा सा है। हम लोगों ने ऑलरेडी स्कूटी पार्क कर दी है, थोड़ा बहुत जो रास्ता रहता है वो ट्रैकिंग का रहता है, ट्रैक करके थोड़ा सा दूर जाना है और वहाँ पे हमें फॉल देखने को मिलेगा। बाकी मैं भी पहली बार आ रहा हूँ इस लोकेशन पे, लेट्स सी कैसा फॉल होता है। अभी तो ऐसा कुछ दिख रहा है। वर्षा, सांस चढ़ गया ना, थक तो गए यार, लेकिन आई गेस देखने लायक नज़ारा होगा, ऊपर चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ हैं। काफ़ी सारा हम लोगों ने ट्रैक कर लिया, अब थोड़ा सा ही रहता है, 100-150 मीटर रहता है, बहुत सारा पोर्शन हम लोगों ने ट्रैक कर लिया है। देखने लायक नज़ारा होगा क्योंकि मैं एक्साइटेड हूँ पानी की आवाज़ से ऑलरेडी, बहुत ही अच्छा नज़ारा देखने को मिलेगा। हम लोग वाटरफॉल के बिल्कुल नज़दीक पहुँच गए और देखने लायक नज़ारा है, हालाँकि छोटा सा वाटरफॉल है लेकिन नेचर के इतने करीब और इतना सुंदर आपको वाटरफॉल देखने को मिले तो मज़ा ही आ जाता है। हाँ, पानी की थोड़ी थोड़ी सी फुहार आ रही है, मैं दिखाता हूँ आपको एक मिनट ना। ये है वाटरफॉल, क्या गजब का नज़ारा है यार, बिल्कुल फ्रेश वाटर, बिल्कुल नेचर के इतने करीब। और देखो कुछ लोग मैगी भी खा रहे हैं, पानी में पाँव भी डाले हुए हैं। वाओ, सी दिस, सी दिस। आप लोग जो मेरे पीछे फॉल देख रहे हैं वो शिखर फॉल है और ये देहरादून में स्थित है। पहले भी हम लोगों ने देहरादून ट्रैवल किया है लेकिन ये चीज़ जो है हम लोग पहली बार एक्सप्लोर कर रहे हैं, हम पहले कभी इस जगह पे नहीं आए। सहस्त्र धारा वगैरह तो हम गए हैं, कुछ पानी जिसे रोबर्स केव भी कहा जाता है वहाँ पे भी हम लोग गए हैं, लेकिन ये जो फॉल है ये पहली बार एक्सप्लोर कर रहे हैं। इवन हमने मसूरी में कैंपटी फॉल जो है वो भी एक्सप्लोर किया हुआ है, लेकिन ये खूबसूरत नज़ारा अभी तक हमारे
आंखों से छुपा हुआ था, लेकिन इस बार हमने गूगल सर्च किया कि व्हाट आर द प्लेसेस टू एक्सप्लोर नियर बाय देहरादून, तो उनमें से एक ये भी था शिखर फॉल। बिलीव कीजिए इतना खूबसूरत नज़ारा है, और जो इस वक्त मैं लाइव यहाँ पे फील कर रहा हूँ ना, वो शायद ही एक्सप्लेन कर पाऊँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ हाउ एग्जैक्टली आई एम फीलिंग इट। कितना अच्छा अनुभव है नेचर के इतने करीब, ठंडी ठंडी फुहारें ऐसी लग रही हैं जैसे बचपन में हम कूलर के आगे सोते थे तो कूलर का जो पानी होता था वो फुहारों के रूप में आपके चेहरे पे लगता था, वैसा ही कुछ फील उधर की तरफ से आ रहा है। बाकी आप देख ही सकते हैं कितना खूबसूरत और कितने तेज़ी से ऊपर से पानी गिर रहा है। दिस इज शिखर फॉल इन देहरादून। हम लोग अपनी दूसरी लोकेशन पर आ चुके हैं, इसका नाम है टपकेश्वर मंदिर। स्कूटी चला के हेलमेट लगा के शायद मेरे बाल भी ख़राब हो गए हैं ना, बाल भी अजीब से दिख रहे हैं। खैर कोई नहीं, अंधेरा भी हो चुका है क्योंकि हमने ज़्यादा टाइम लगा दिया खाना खाने में, और वो जो वाटरफॉल था वहाँ पे बहुत सारा टाइम लगा दिया हमने। तो आई थिंक आज हमारी दो ही लोकेशन कवर हो पाएंगी। नहीं, वी विल ट्राई टू कवर बुद्धिस्ट। देखते हैं रात को बुद्धा टेम्पल कवर कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन फिलहाल ये टपकेश्वर मंदिर है। याद है तुम्हें थोड़े दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई थी? कौन सी? मंदिर में पानी चल रहा था बहुत तेज, टपकेश्वर मंदिर में पानी आ रहा था। यही था वो? यही तो था। मेरे पीछे जो आप मंदिर देख रहे हैं वो देहरादून का बहुत ही फेमस मंदिर है, उसका नाम है टपकेश्वर मंदिर, गढ़ी गेंद में पड़ता है। ऑल्दो हमारे दर्शन हो चुके हैं, अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, लेकिन फिर भी आप शायद स्क्रीन पर देख रहे होंगे कुछ फुटेज मैंने चोरी छुपे कैप्चर की आप लोगों के लिए। ये पूरा मंदिर पहाड़ के अंदर ही बना हुआ है, जिस तरीके से हमें कटरा में पहाड़ के अंदर बहुत सारे मंदिर हमें देखने को मिले थे जिसमें नवदुर्गा भी थी, ऐसा ही एक मंदिर ये भी है जिसके ये पूरा मंदिर जो है पूरा का पूरा पहाड़ में है। नीचे आप देख सकते हैं पानी का बहाव भी आ रहा है, पहाड़ों से पानी आ रहा है। इधर भी एक माता वैष्णो देवी गुफा योग मंदिर है सामने, ये भी टपकेश्वर गढ़ी कैंट में ही है, मतलब आमने सामने ही है। पानी के एक तरफ टपकेश्वर मंदिर, जो मेन टपकेश्वर मंदिर है वो है, और दूसरी तरफ जो है वो माता वैष्णो देवी गुफा योग मंदिर जो कहलाता है वो है। ये ब्लॉग ज़्यादा लंबा ना हो जाए और आपके लिए बोरिंग ना हो जाए, इसलिए इस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दें, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस सबसे पहले मिल सकें। हाँ, टाटा बाय बाय, टेक केयर, एंड एज ऑलवेज धन्यवाद।